हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद सूरज पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्ड मीनिंग। तो आज का जो हमारा वर्ड मीनिंग हुआ है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम जान लेंगे। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हमारी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ़ द रूल्स। इसका हिंदी में मतलब होता है यह नियमों का उल्लंघन है। अब जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, इट मे बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर राइट्स। इसका हिंदी में मतलब होता है यह आपके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। तो यही रहा आज के हमारे वर्ड इन्फ्रिंजमेंट, जिसके मैं हिंदी में मीनिंग बता चुका हूँ, इसे सेंटेंस में किस तरह यूज करना है वो बता चुका हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप चाहें तो इन पर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप अपने इसे स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो इसी तरह के और भी सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।